तो अभी हम लोग मंडी भी एक साथ में जा रहे हैं कोरबा, कुछ पेमेंट था उसको करने जा रहे हैं मोबाइल वाला, और सामान वामान भी लेने जा रहे हैं, स्मार्ट वॉच लेके आएंगे, और निकल चुके हैं हम लोग फाइनली। इधर कार में है, अभी जा रहे हैं इधर, और अभी कार तरह से तो निकले हैं। ये वंटी भी है, देख सकते हो, हेलो। और निकल चुके हैं हम लोग फाइनली, आपको भी दिखाएंगे वीडियो में, एंड तक जुड़े रहना। तो हम लोग को सामान भी लेना है, और ये बंटी भी पेमेंट करेंगे अपना जो भी बचा है उसको, और मैं एक स्मार्ट वॉच लूंगा, जो भी काम है उसको करेंगे, निपटाएंगे जल्दी, फिर निकलेंगे वहाँ से भी। तो अभी हम लोग इधर पहुँच चुके हैं, और क्या गाँव में पता नहीं चल रहा है अभी, तो कोटमेर पहुँच चुके हैं हम लोग अभी। बंटी भैया ड्राइविंग कर रहे हैं, मस्ती से मज़ा आ रहा है अभी, तो ठंडे भी शुरू हो गए हैं अभी। अभी तो हम लोग दो ही लोग हैं अभी, बंटी भी एक साथ में, बाकी जो फ्रेंड है वो बंटी भी के दुकान में है, इनका दुकान भी है एक ठो रामपुर में है, बंटी मोबाइल करके, आप लोग को कुछ ज़रूरत होगा तो परचेज कर सकते हो इनसे। और इनका एक और दुकान है, कहाँ भी है, हाटी में है इनका दुकान एक ठो, और एक ठो थसका मोड़ा में है। तो आप लोग वहाँ आस पास के होंगे तो इनसे कॉन्टेक्ट में बात भी कर सकते हो, मोबाइल जो भी है, पावर बैंक, मोबाइल, हेडफोन, बैटरी, ये सब चीज कर सकते हो आप लोग। तो अभी इधर निकल तो गए, रास्ते में है, दुकान का कार्ड भी दिखा दो। तो दुकान का कार्ड भी आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं अभी, तो ये बंटी भैया दिखाएंगे अपना, पकड़ के चलते हैं दुकान का कार्ड। क्या सोच है रे तेरी, ये है बंटी भैया का दुकान का कार्ड, यहाँ बस मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हो, और आसपास में होगे तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है, आ सकते हो। और इधर भी कुछ है, आधार सेवा केंद्र, पैसा निकलता है, और पैसा आप खाते में डाल भी सकते हो, आधार कार्ड नया पुराना जो ये देख सकते हो लिखा है, पूरा नया आधार, नाम सुधार, जन्म तिथि सुधार, ये सब चीज़, फोटो सुधार, मोबाइल, और बहुत सारे काम भी होते हैं हमारे बंटी भी एक शॉप में, तो आप परचेज कर सकते हो। तो नॉनबीरा पहुंच गए हम लोग फाइनली, इधर देख सकते हो नॉनबीरा पहुंच गए हैं। कुछ ही दूर और है अभी, तो ये नॉनबीरा आ गए हम लोग। पहुंचे हैं भैसमा, यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग और है कोरबा, ये बस स्टैंड है गाइस भैसमा का, देख सकते हो, ये दोस्तों देख सकते हो भैसमा का है बस स्टैंड, सुना सुना लग रहा है आज। ये इधर के साइड मुड़ोगे तो कोरबा का दृश्य दिख जाएगा आपको। तो भैसमा से निकल रहे हैं अभी हम लोग, फाइनली कोरबा पहुंच गए हैं अभी हम लोग। फाइनली कोरबा पहुंच गए हम लोग, और गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा ली हम लोग, और अभी भूख लग रहा था तो इधर सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे यहाँ सुरुचि के यहाँ, उसके बाद में जो भी हमारा काम है उसको करेंगे दोस्तों, वो चलते हैं।
खाना तो ऑर्डर कर दिए हैं दोस्तों, अभी हम लोग आ रहा है। तो ये दोस्तों हम लोग को खाना आ गया है, रोटी है और 3 सब्जी है, रायता है। चलिए दोस्तों खाने को स्टार्ट करते हैं। साहब करे सामान आ रही थे साहब साहब। खाना तो खा चुके हैं अभी हम लोग और आगे का काम करने जा रहे हैं अभी। अभी हम लोग का कार यहाँ लवारिस की तरह पड़ा है, देख सकते हो इधर पार्किंग में, और अभी निकलते हैं हम लोग भी। दोस्तों हम लोग विजय टेलीकॉम भैया का दुकान आ गए हैं, यहीं से हम लोग सामान उठाते हैं दोस्तों, देख सकते हो बंटी भी आप। तो फाइनली गाइस हम लोग का काम हो गया है और घर की ओर निकल चुके हैं हम लोग अभी इधर, और अभी ट्रैफिक जाम हो गया गाइस इधर आगे में, देख सकते हैं। तो फिर निकल रहे हैं घर की ओर, घर पहुंच के बताते हैं आपको। तो अभी तो दोस्तों रात हो चुका है और नॉनबीरा से निकल गए हम लोग, फिर चालू कर दीजिए रात हो चुका है अभी और फिर 15 किलोमीटर और बचा है, फिर फाइनली पहुंच जाएंगे रामपुर। इधर पहुंच गए हम लोग और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।